आज हम बनाने वाले हैं पोहे का चटपटा और कुरकुरा नाश्ता। और इसमें हमने ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाला है जो आपके किचन में अवेलेबल ना हो। ये देखिए कितना क्रिस्पी नाश्ता तैयार होता है और इसे बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। और मैंने पोहे से ही आपको आपे बनाना भी सिखाया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। हमने इसमें एक कटोरी पोहा ले लिया है और उसमें हमने डेढ़ कटोरी के करीब पानी को ऐड किया है। अब हम पोहा को 5 मिनट के लिए सोक होने के लिए रख देते हैं। अब हम इसे अच्छे से पानी को निचोड़ कर निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसे छलनी के मदद से छान लें। हमने इसमें 3 उबले हुए बॉयल्ड आलू लिया है और इसे हमने मेस कर लिया है। इसे भी हम पोहे के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज लिया है और बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ गाजर और थोड़ी सी मिर्ची। अगर बच्चे के लिए आप बना रहे हो तो मिर्ची थोड़े कम डालें या ना डालें। स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर और थोड़े से ब्लैक पेपर, इन सभी को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसे यहाँ मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है जिसे पानी के साथ मिक्स कर लिया है। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं आपको यहाँ पे बिना ब्रेड क्रम्स के भी बनाकर दिखाऊंगी। अब हाथों में तेल ले ले या घी ले ले। अब इसी तरह छोटे छोटे डो बनाकर आप अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे दे। हमने इसे इस तरह से बनाया है। अब थोड़े से कॉर्नफ्लोर में इसे डिप कर ले और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में हल्का लपेट लें। ये देखिए इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 तरह का बनाया है। अब हम इसे चलते हैं फ्राई करने के लिए। हमारा तेल गरम हो गया है, हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो इससे क्या होगा कि पोहे का ऊपरी परत हमारा सिर्फ गोल्डन ब्राउन दिखेगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, इसीलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अब हम इसे दूसरे साइड भी पलट कर अच्छे से पका लेते हैं। अगर आप पोहे के कटलेट में बेसन का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, इससे भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारा यहाँ पे कटलेट बनके तैयार हो गया। इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। आप इसे किसी टिश्यू पेपर के द्वारा या तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर बनाएं। बच्चों के लिए भी आप बनाएं तो इसमें मिर्ची ना डालें। इसी के साथ अगर आप और भी वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हम पोहे से ही आपे बनाएंगे। हमने यहाँ पे बचे हुए डो से ही आपे बनाया है। हमने इसे राउंड शेप दिया है। हमने इसमें ना ही ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है ना ही कॉर्नफ्लोर का। इसी तरह से हमने सारे डोसे आपे तैयार कर लिया है। अब हम आपे स्टैंड लेते हैं। इसमें हमने घी का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पे ऑयल भी लगा सकते हैं। अब हम बनाए हुए आपे को इसमें डाल देते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम में ढककर पकाते हैं। बीच में एक बार हम इसे अच्छे से पलटा लेते हैं ताकि दूसरे साइड भी ये अच्छे से पक जाए। इस तरह से पलट देते हैं और इसे फिर से ढककर हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं।
ये देखिए हमारा आप पे रेडी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, चटनी या तो फिर चाय के साथ सर्व करें। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। पोहे से हमने यहाँ पे दो तरह का नाश्ता बनाकर तैयार किया है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल का आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।